सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेरी वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ बात करूंगा यहाँ पर शिबी कॉइन को लेकर के, और यहाँ पर मैं फ्रेंड्स आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से शिबी कॉइन को बाय कर सकते हो इजीली, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैसेज आया। कल जब मैंने वीडियो अपलोड करी तो काफ़ी सारे लोगों को मैसेज आया कि उनको नहीं पता किस तरीके से बाय करना है या किस तरीके से वो बाय कर सकते हैं, उन्होंने मेरे से जो है यहाँ पर सवाल किए। तो इसलिए फ्रेंड्स मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है, तो आपको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से और सिंपल तरीके से मैं आपको यहां पर जो है वो समझा सकूं कि कैसे आप बाय कर सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो उसके लिए माफी चाहूंगा, बट आप वीडियो को पूरा एंड तक देखें और हर एक स्टेप बाय स्टेप सभी चीज को समझें ताकि आप इजीली जो है इसको बाय कर पाए, ठीक है। तो बट वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही फ्रेंड्स बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि सभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलती रहे। और साथ ही फ्रेंड्स अभी तक अगर आपने पाई नेटवर्क एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, सभी स्टेप्स आपको मिलेंगे। पाई नेटवर्क एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि आपको 24 घंटे में एक बार क्लिक करने पर आपको डेली बेसिस पर कॉइन जो है वो बना करके देती है, ठीक है। तो जिन लोगों को नहीं पता और जिन्होंने अभी तक इसके अकाउंट अंदर अकाउंट नहीं बनाया, वो अकाउंट अपना बना ले और डेली सिर्फ 24 घंटे के बाद एक बार क्लिक करना है आपको टैप टू अर्न पर, टैप टू अर्न पर क्लिक करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो डेली बेसिस पर यहाँ पर आपके कॉइन्स फ्री में आपको बनते रहेंगे, और आने वाले टाइम में जब ये करेंसी लॉन्च हो जाएगी जो कि नवंबर या दिसंबर में होगी, उसके बाद जब ये फ्रेंड्स सर्कुलेशन इसका स्टार्ट हो जाएगा तो फ्रेंड्स आने वाले टाइम में आपको जो है लाख और करोड़ रुपये का बेनिफिट्स इन कॉइन्स के थ्रू मिलेगा। इसलिए पाई नेटवर्क को आप मिस ना करें। तो चलिए फ्रेंड्स अब यहाँ पर बात करते हैं, और बात करते हैं यहाँ पर हम किसकी, शिबा इनू कॉइन की, जिसका क्रेज़ जो है अभी मार्केट में छाया हुआ और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इसको बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। बट बहुत से ऐसे लोग हैं जो जानकारी ना होने की वजह से या क्रिप्टो में नए होने की वजह से वो इजीली इसको बाय नहीं कर पा रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, सिंपल सा फंडा है कि अगर आपके पास वजीरेक्स एप्लीकेशन या वजीरेक्स पे अकाउंट आपने नहीं बनाया हुआ है तो आप बना लीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है। और हियोबी और बाइनेंस, ठीक है, इनका भी मैं लिंक आपको मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन। अगर आपने उसमें इन तीनों में अकाउंट नहीं बनाया तो वहाँ इन तीनों में आप अकाउंट बना लीजिए, क्योंकि इन तीनों में को आपस में जो है बोल सकते हैं कि एक दूसरे के सपोर्ट के साथ ही आप यहाँ पे इजीली बाय कर सकते हैं। ट्रस्ट वॉलेट वाला जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ मैंने खुद प्रॉब्लम थोड़ी सी फेस करी थी, लेकिन अगर ट्रस्ट वॉलेट में फ्रेंड्स अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ BNB पड़े हुए हैं तो आप उसको यूनिस्वैप पे जो है स्वैपिंग कर सकते हो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप हियोबी या फिर बाइनेंस या फिर अगर आप बिटमार्ट इन सभी पे अगर बाय करना चाहते हो सेफ मून तो वो ज़्यादा अच्छा है, और सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूँगा मैं बाइनेंस या फिर हियोबी के लिए, ठीक है। कल मैंने अपनी वीडियो में बिटमार्ट के लिए रिकमेंड किया था, बट आई थिंक कि वैसे बिटमार्ट जो है वो भी अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, बट हियोबी एंड बाइनेंस जो है वो सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आप उस पर भी जो है इनको होल्ड कर सकते हैं, जो कॉइन्स शिबा इनू कॉइन्स है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमको बाय कैसे करना है। तो फ्रेंड्स देखो, अगर आपके पास वजीरेक्स अकाउंट है तो वहाँ पर अगर आपके पास कोई भी करेंसी पड़ी है तो सबसे पहले आप क्या करिए कि आप USDT से उसको TRX में कन्वर्ट कर लीजिए। अब वो कैसे करना है तो आप देख सकते हो एक्सचेंज वाला जो ऑप्शन है, मान लीजिए आपके पास में USDT पड़ा हुआ है, ठीक है, आपने क्या करना है, सेल का ऑर्डर लगा देना है, हाईएस्ट वाला जो प्राइस है, जो भी उसका हाईएस्ट प्राइस होगा 100% या 50% जितना भी आप सेल करना चाहें, सेल पर क्लिक करेंगे तो वो ऑर्डर जो है वो लग जाएगा, और उसके बाद आपका जो इंडियन रुपीज़ में बैलेंस होगा वो विजिबल हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये प्रोसेस हो गया। अदरवाइज़ अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आप TRX के थ्रू ट्रांजेक्शन करना चाहते तो अब जैसे आपने USDT से इसको सेल कर दिया, अब TRX, ठीक है, आपको बाय करना है। मैं TRX हर बार रिकमेंड करता हूँ क्योंकि फ्रेंड्स TRX की जो बोलते हैं कि विड्रॉल फीस है ना वो बहुत ही कम है, इसलिए मैं हर बार आपको रिकमेंड यही करता हूं कि आप TRX में ही ट्रांजेक्शन करें, सबसे बेस्ट है। मैंने दुनिया भर के ट्रांजेक्शन जो है क्रिप्टो करेंसी के थ्रू करके देख लिया, बट बहुत ज़्यादा चार्जेस लगते हैं, तो TRX इज़ द बेस्ट कि अगर आप इधर से उधर विड्रॉल करना चाहते हो या फिर अगर आप कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पर बाय करना चाहते हो किसी भी करेंसी को तो TRX बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। तो अब मान लीजिए आपके पास में $50 के USDT थे, उनको आपने सेल कर दिया, सेल करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप देख सकते हो कि एक्सचेंज वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर TRX टाइप करना है, ठीक है, और बाय और सेल वाला जो है यहाँ पर लोवेस्ट प्राइस इतना होना चाहिए आपका, और मान लीजिए फॉर एग्जांपल $50 का अगर 3,500 बनता है तो उस हिसाब से आप यहाँ पर 3,500 या 3,000 जो भी है आप यहाँ पर डाल सकते हैं अमाउंट टोटल वाले ऑप्शन में, ठीक है।
उसके जितने भी TRX मिलेंगे उसका अमाउंट आपको यहाँ पर दिखाई दिया जाएगा। जैसे अगर आप देख सकते हो 3,323 TRX, अगर मैंने यहाँ पर 34,000 के अगर मैं लेता हूँ तो 3,323 TRX, ठीक है। मैंने बाय का ऑर्डर लगा दिया, मेरे पास यहाँ पर जो बैलेंस होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे फंड वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आपके बैलेंस, जैसे अगर आप देखो फंड वाला जो ऑप्शन है तो मेरे पास में यहाँ पर TRX पड़े हुए हैं 151, ठीक है। सो अब आपको क्या करना है, आपको ये TRX वाला जो फंड वाला ऑप्शन है यहाँ से आप जो है किसी अदर, यानी कि अगर आप UOB पे इसको ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो TRX पे आप जाओगे, विड्रॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ पर आप UOB में जाओगे, अब UOB में हम चले गए और अब यहाँ पर TRX, ठीक है। सो बैलेंस वाले ऑप्शन में जाओ, नहीं एक मिनट, ओहो हाँ मार्केट और बैलेंस, सो ठीक है, आपको बैलेंस वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर आपको डिपॉजिट वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है ऊपर की तरफ, डिपॉजिट, ठीक है। ये UOB के लिए है, डिपॉजिट वाले ऑप्शन में जाओगे, फिर से बताता हूँ, होम मार्केट ट्रेड एंड डेरिवेटिव्स एंड बैलेंस, ठीक है। बैलेंस वाले ऑप्शन में जाना है, डिपॉजिट पर क्लिक करना है, डिपॉजिट पर आने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर TRX टाइप करना है, TRX आपने टाइप कर दिया, आ गया। अब यहाँ पर जो ये एड्रेस आपको दिखाई दे रहा है इसको कॉपी कर लेना, ये आपने कॉपी कर लिया। अब आपको वापस BZX वाले ऑप्शन पे आना है जहाँ पर आपने जो है विड्रॉल का ऑप्शन लगाया था, ठीक है। मैं फिर दोबारा दिखाता हूँ, विड्रॉल यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। इसके बाद फॉर एग्जांपल मैं 151, तो देख सकते हो आप 5 जो TRX है वो मेरी विड्रॉल फीस है, फाइनल जो मुझे 146 मिलेगा। इसके बाद प्रोसीड कर देंगे, फिर आपके पास OTP आएगा, OTP डाल देंगे, ईमेल पर एक OTP आएगा और उसको आप वेरिफिकेशन लिंक आएगा, ठीक है, ईमेल पर उस पर क्लिक करेंगे और आपका जो है ट्रांसफ़र जो है वो हो जाएगा। उसके बाद 5 या 10-15 मिनट के बाद आपके UOB में TRX बैलेंस आपके पास आ जाएगा। अब वो TRX बैलेंस जो होगा उसको आप क्या करेंगे, मार्केट में जाएंगे, ठीक है। मार्केट में सर्च वाला जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, फेवरेट स्पॉट फ्यूचर, उसके बाद लास्ट में सर्च वाला ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर जाएंगे TRX, ठीक है। अब USDT वाला पेयर, ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पर सेल पर जा करके, और आप देख सकते हो लिमिट ऑर्डर के नीचे 0.128955, ठीक है। उसके बाद आप 100% TRX सेलेक्ट कर दोगे, जितने भी आपके TRX होंगे वो सेल, फिर उसके बाद सेल TRX पे क्लिक कर दोगे, आपके कुछ ही देर में जो अमाउंट होगी वो सेल हो जाएगी। जैसे ही आपके पास सेल हो जाएगा यहाँ पर, फिर आप क्या करोगे, मार्केट में जाओगे। अब यहाँ पर आप शिबू टाइप करोगे, ठीक है, ये आ गया शिप USDT। अब जब आपने TRX से जो है TRX को सेल कर दिया, जो मैंने मेथड आपको बताया उससे सेल हो गया, अब आप जाओगे शिबू सर्च बॉक्स में, मार्केट में जा करके जो सर्च वाला ऑप्शन है वहाँ पर SHIB टाइप करोगे, शिबू वाला ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आप इसको जो है USDT वाला पेयर शिप USDT, उसके बाद इस वाले बाय ऑप्शन पर जाओगे और फिर आपने जो, जैसे अगर आप देखो कि शिप और USDT और 0.00003160 ये इसका प्राइस अभी यहाँ पर ऊपर नीचे हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है। तो आप इसी के आसपास एक प्राइस डाल दोगे, तो यहाँ डाला हुआ जैसे लिमिट ऑर्डर के नीचे 3174, तो आप क्या करोगे 3160 का आप डाल दो, ठीक है, और उसके बाद 100% बाय ऑर्डर आप लगा दोगे। जैसे ही बाय ऑर्डर आप लगाओगे और आपके जो शिबू कॉइन होंगे वो बाय हो जाएंगे। तो ये था मेथड फ्रेंड्स कि आपको इस तरीके से जो है BZX से UOB के अंदर कैसे ट्रांसफ़र करना है, कैसे किस तरीके से बाय करना है। इसी तरीके से सेम प्रोसीजर से आप ट्रस्ट वॉलेट से भी इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर मैं ट्रस्ट वॉलेट का फ्रेंड्स आपको दिखाऊं, जिसके बारे में एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, यहीं पर बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर TRX है, ठीक है, तो आप TRX यहाँ पर जो है सेंड और रिसीव वाला, तो सेंड पर क्लिक करोगे, आप UOB से TRX का एड्रेस लोगे, जैसे कि अभी हमने BZX के लिए लिया, और वो एड्रेस जैसे जो एड्रेस आपने BZX में टाइप किया था वही एड्रेस आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे। यहाँ जितना भी आप अपना विड्रॉल करना चाहते हो उस हिसाब से विड्रॉल करोगे और आपके पास UOB में आपका बैलेंस जो होगा वो आ जाएगा। और उसके बाद फिर आपको सेल करना है TRX से USDT के अंदर, और उसके बाद सिंपली आप इसको बाय कर सकते हो। सो ये है सारा फ्रेंड्स मेथड, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही फ्रेंड्स
फॉलो करते रहें चैनल को, और टेलीग्राम चैनल भी अब आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इस तरह की सारी अपडेट्स जो मिलती रहेंगी। बाकी आप और क्या चीज़ समझना चाहते हैं वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर जो है नए उसके ऊपर वीडियो एक प्रॉपर तरीके से बना करके आपको दिखा दूंगा, शेयर कर दूंगा, ताकि आप में से काफ़ी लोगों को जो है जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाए। अभी ये फिर मैंने एक्सचेंज सॉरी आपको जो है बताया कि आपको वजीर एक्स से अगर आपके पास अमाउंट पड़ी हुई है या TRX से आप किस तरीके से VOB के अंदर सेफ सॉरी शिबा इनू कॉइन जो है उसको बाय कर सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि अगर आप बिटमार्ट से या फिर बाइनेंस से अगर आप इसको बाय करना चाहते हो या जो शिबा इनू कॉइन है उसको आप होल्ड पर रखना चाहते हो तो वो किस तरीके से सकते हो। अब सबसे बेस्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स कि आप ये जो कॉइन्स हैं इनको नाइट के टाइम बाय करें, क्योंकि नाइट के टाइम थोड़ा प्राइस जो है उसका लो होता है। ठीक है, सो ये था फ्रेंड्स इस वीडियो में। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही फ्रेंड्स पाई नेटवर्क एप्लीकेशन को आप जरूर इंस्टॉल करें, उसकी माइनिंग आप जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।